मध्य प्रदेश के रीवा में गोलीकांड के वारदात में खुलासा करे के बाद पुलिस के द्वारा आरोपी का बाल अपचारी बतावा गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी कई एक साल से नगर निगम के कर्मचारी है और मामले के खुलासा भा तो हर के हैरान रहेगा। वन क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूछा अपना पंचे से बचे इनका प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि रीवा पुलिस के द्वारा खुटे ही माँ फायरिंग होने वाली घटना के मामले में खुलासा कही के जो ने आरोपी का बाल अपचारी बतावा गया रहा। दरअसल बाल अपचारी नहीं बल्कि नगर निगम के कर्मचारी निकला। जानकारी के मुताबिक आरोपी कई एक साल से नगर निगम में काम कर रहा है। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत खुटेही में गुरुवार रात हुए वाली फायरिंग के मामले के खुलासा पुलिस के द्वारा रविवार शाम किया गया रहा। जिन में तीन आरोपी बनाए गए रही। आरोपी में सकीना बेगम रेहान खान समेत एक आरोपी का बाल अपचारी बतावा गया रहा। लेकिन सोमवार दोपहर जो जानकारी निकल के सामने आई ओके बाद हर के हैरान रहेगा। दरअसल पुलिस के द्वारा जो व्यक्ति का बाल अपचारी घोषित किया गया है। दरअसल व्यक्ति नगर निगम में काम करे वाला शासकीय कर्मचारी है जो कई एक साल से बतौर सफाई कर्मचारी अपन सेवा दे रहा है। गुरुवार रात दुकान से घर जाए वाले के बाजार के संचालक कादिर हुसैन के ऊपर हत्या के साजिश के तहत फायरिंग की घटना का अंजाम दिन का रहा। पुलिस के द्वारा प्रेस वार्ता कही की समीर नाहर नाम के आरोपी का बाल अपचारी घोषित किएगा। जबकि नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक आज समीर नाहर पिछले तीन साल से नगर निगम में बतौर कर्मचारी अपन सेवा दे रहा है। निगम के कहा है कि काम करे वाले सफाई कर्मचारी की उम्र हमेशा 18 वर्ष से ऊपर रही है जो अब 21 वर्ष तक कई दिन गई है। दूसरा कई मामला उजागर हुए के बाद अब पूरा मामला तूल पकड़ ले। सवाल ये खड़े हो लागे की आखिरकार जो कर्मचारी इतने साल से नगर निगम में अपन सेवा है पुलिस के द्वारा व्यक्ति का बाल अपचारी काहे बतावागा और कोने आधार पर बताए देगा। पूरे मामले को लेकर रीवा एसपी विवेक सिंह के द्वारा स्पष्टीकरण देगा है। रीवा एसपी के मुताबिक थाना में आरोपी के द्वारा अपने कक्षा 10वीं के मार्कशीट दी गई है जो जन्म तारीख 2007 लिखी रही। ये आधार पर पुलिस के द्वारा आरोपी का बाल अपचारी माना गया। मार्कशीट और दस्तावेज जाली हो सका था जेकर जांच की जाई। अगर आरोपी के द्वारा गलत जानकारी दी गई ही पुलिस का गुमराह किया है तो वैधानिक कार्रवाई की जाये। सजग रही सतर्क रही रखी अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे इजाजत। अभी हमने सकीना को गिरफ्तार कर लिया, रेहान को गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य अपचारी बालक जो मोटरसाइकिल चला रहा था घटना जब हुई है तो उसको भी अभिरक्षा में लिया गया है और जिसमें जिसको हमने अपचारी की तरह हमने वो ट्रीट किया था तो उसमें जो हमारे पास जो 10th की मार्कशीट उन्होंने प्रस्तुत की थी उसके आधार पे उसकी डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ उसका 2007 है और जिसके आधार पे हमने उसको अपचारी बालक उसको माना था। लेकिन अगर ये भी बताया गया कि शायद नगर निगम में वो कहीं मस्टर या किसी चीज़ में वो कार्यरत भी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ इसमें दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं तो उसकी तस्दीकी की जाएगी। अगर कुछ गलत जानकारी या कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए होंगे तो उसके बारे में भी धाराओं का समावेश करते हुए कार्रवाई की जाएगी। अपना संतान के सुख से वंचित है अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा।